हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज दी अकाउंट्स, डैट इज रेलेवेंट फॉर प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी ओपनिंग एंट्री, तो ओपनिंग एंट्री को हम किस तरह से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए ये रेलेवेंट है। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल है, इवन प्लस वन स्टूडेंट्स के लिए MCQ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे अवेलेबल है। इवन अकाउंट का कोर्स जो है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर भी अवेलेबल है, जो कि नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारा डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स एज वेल एज वेरियस जो है MCQ अवेलेबल होंगे। और जो प्राइस है, जो कोर्स की फीस है, वो बहुत ही नॉमिनल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्योंकि यहाँ पे अब हम जो ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं डैट इज एज पर द मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारे पास एसेट्स हैं। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी के अंदर उल्टा होता है, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और उसी तरह कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। उसी तरह जो रेवेन्यू है, अगर वो बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और जो एक्सपेंस है वो एसेट की तरह है, जैसे एक्सपेंस जो है अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए, तभी हमें जो अकाउंटिंग है, जो जर्नल बनाना है, वो इजी लगेगा। तो पहला जो दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई ओपनिंग एंट्री क्या है। देखो, ये जो ओपनिंग एंट्री है डैट इज रेलिवेंट फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपने इसी साल बिजनेस शुरू किया है तो आपको ओपनिंग एंट्री नहीं डालनी पड़ेगी। ओपनिंग एंट्री रेलिवेंट जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है। देखो, ओपनिंग एंट्री क्या है कि एक जर्नल एंट्री है, जिसके द्वारा जो हमारे एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं, जो हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर दिए होते हैं, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, उनको हमने जो नया अकाउंटिंग, जो नया अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर वो हमारी ओपनिंग एंट्री बन जाती है। वो क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले साल के हैं वो अगले साल के लिए जो है ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो इसके अंदर रूल क्या है भाई, जब हमने ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो कौन सा रूल फॉलो करना है? डेबिट ऑल द एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल द लायबिलिटी एंड द कैपिटल। हमें पता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर हमारी एसेट जो है, देखो जब हमने एंट्री करनी है तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट का टोटल जो है किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होना चाहिए। और अगर मान लो हमने टोटल किया तो एसेट का टोटल तो ज्यादा है, लायबिलिटी और कैपिटल, देखो कई बार क्या होता है कि हमें एसेट दिए होते हैं, लायबिलिटी दी होती है तो कैपिटल हमें नहीं दी होती। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना है कि एसेट का टोटल करना है, लायबिलिटी का टोटल करना है। ऑब्वियसली एसेट का टोटल ज्यादा होगा तो एसेट के टोटल से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो कैपिटल आ जाएगी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि एसेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है डैट इज बेस्ड ऑन डेबिट, डैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, के जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। सो वी आर गोइंग टू, डेबिट हमने ऑल एसेट करना है, क्रेडिट हमने लायबिलिटी एंड जो है कैपिटल को करना है। और अगर देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो, जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा एसेट जो है कैपिटल और लायबिलिटी से कम है, अब देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए। बट अगर कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल जो है एसेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो गुडविल की वजह से, तो गुडविल अपेयर होगी कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे।
और उसी तरह क्या है कि अगर हम टोटल करते हैं तो एसेट का टोटल ज्यादा है, लाइबिलिटी और कैपिटल का कम है, तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व की वजह से होगा, उसको हमने क्रेडिट साइड पे डाल देना है। ओपनिंग एंट्री जो एक जर्नल एंट्री है, बाय मींस ऑफ विच द बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल विच आर अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारे पिछले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्लोजिंग बैलेंस होता है एसेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। और यहाँ पे हमने सारे एसेट्स को डेबिट कर देना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है, और कैपिटल अगर नहीं दी हुई तो पहले हमने उसको निकालना है, एसेट के अंदर से लाइबिलिटी को माइनस करके कैपिटल को निकालना है, और भाई कैपिटल को भी हमने क्या करना है, क्रेडिट कर देना। तो किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, एसेट अकाउंट इंडिविजुअली, जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो हर एक इंडिविजुअली हर एक एसेट के अकाउंट को हमने डेबिट करना है। इसी तरह जो लाइबिलिटी है, जैसे बिल पेबल है या सन्डरी क्रेडिटर्स हैं, तो जो भी हमारी लाइबिलिटी है उसको इंडिविजुअली हमने क्रेडिट करना है, और अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ तो वो हमें निकालना है, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, और वहां पे नरेशन में सिंपली वी हैव टू राइट द ओपनिंग एंट्री पास। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कैश कितना है 25,000, बैंक कितना है 5,000, स्टॉक कितना है 5,000, फर्नीचर कितना है 10,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000, सन्डरी डाटा 20,000। अब देखो यहाँ तक जो है ये हमारी क्या है, एसेट्स है, और ये हमारी लाइबिलिटी है, सन्डरी क्रेडिटर 35,000, बिल्स पेबल 15,000 एंड लोन अकाउंट 50,000। तो देखो यहाँ पे भाई कैपिटल नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे कि एसेट का टोटल करेंगे और जो लाइबिलिटी है उसका टोटल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे एसेस कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसको टोटल किया सारे एसेट का, तो ये आ जाता है 2,10,000। तो हमारे पास एसेट का जो टोटल है वो 2,10,000 है। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी का टोटल करना है, कैपिटल हमें नहीं दी हुई, सन्डरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लोन अकाउंट, तो यहाँ पे ये टोटल आ जाता है 1,00,000 का। अब एसेट कितना है हमारा, 2,10,000 है, और लाइबिलिटी कितनी है 1,00,000। इसका मतलब है कि एसेट जो है किसके बराबर होनी चाहिए, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल इज नॉट गिवन, तो एसेट के अंदर से जो चीज बड़ी है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, 2,10,000 माइनस 1,00,000, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाती है 1,10,000। तो अब ये हमारे पास क्या है कि अब हमने इसको प्रॉपर जर्नल के अंदर जो है इसकी एंट्री फटाफट रिकॉर्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअली कैश के आगे डेबिट, डेबिट कॉलम के अंदर उसके आगे अमाउंट जितना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्डरी डेटर्स, तो जो हमारे एसेट्स हैं उन सबको हमने इंडिविजुअली जो है क्या किया है, डेबिट किया है, और डेबिट कॉलम के अंदर उनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो हमने डाल दिया है। तो जिन चीज़ों को हमने क्रेडिट करना है उनके आगे हमने टू लगा देना है, टू सन्डरी क्रेडिटर्स, और उसका अमाउंट हमने क्रेडिट कॉलम में देना है 35,000, टू बिल्स पेबल वो भी क्रेडिट कॉलम के अंदर, लोन अकाउंट दैट इज ऑल्सो इन द क्रेडिट कॉलम, और ये बैलेंसिंग फिगर जो थी हमने निकाल ली थी कैपिटल अकाउंट 1,10,000, इसको मैंने इसीलिए रेड्स में किया है ताकि आपको पता चले ये हमने निकाली है, क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई थी। तो यहाँ पे अब हमारा एसेट जो है डेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो टोटल दोनों का बराबर है। तो उसी तरह बींग ओपनिंग एंट्री पास जो नरेशन में हमने बता देनी है। अगेन यहाँ पे ये बैलेंसेस जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है 31 मार्च 2016, तो यहाँ पे कैश है 15,000, बैंक है 25,000, स्टॉक है 20,000, डेटर जो है 30,000, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 5,000। तो यहाँ पे इधर हमें दिया हुआ है सन्डरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम दी बैंक। अगेन यहाँ पे हमें क्या है कि जो है कैपिटल नहीं दी हुई, तो यहाँ पे भी हमने इनका टोटल कर लेना है, ये सारे एसेट्स हैं। उसी तरह यहाँ पे जो लाइबिलिटी है इसको भी हमने टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 + 20,000 35,000, 35,000, 25,000, 60,000। इसी तरह हम देखते हैं 15 + 25, 40,000, 40 + 20, 60,000,
60 + 30 90,000, 90 + 41 30 और 5,135,000। इस तरह से हमने एसेट का टोटल कर लेना है और लाइबिलिटी का टोटल कर लेना है। यहाँ पे टोटल एसेट हमारे पास 1,35,000 के हैं, लाइबिलिटी 60,000 है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कैपिटल का है 1,35,000 -60,000 जो कि आ जाता है 75,000। इस तरह से आपने ये एंट्री जो है हमने डालनी है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेट अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, सन्डी क्रेडिटर, टू बिल पेबल, टू बैंक लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग फिगर आ जाती है और नीचे नरेशन में हमने लिख देना है बिग ओपनिंग एंट्री पास्ट। इस तरह से आपने जो है जर्नल जो है अपना जो है ओपनिंग एंट्री जो है पास कर देनी है। तो यहाँ पे देखो जो क्योंकि ये 2016 है तो यहाँ पे हमने जो एंट्री करनी है ये 1 अप्रैल को करनी है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यहाँ पे क्योंकि ये हमारा जो 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 था वहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस थे, अब इसको हमने ओपनिंग बैलेंस उठाए हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेट अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, तो ये सारे एसेट्स हैं जिनको हमने इंडिविजुअली डेबिट किया है और उसके आगे डेबिट कॉलम के अंदर अमाउंट डाला है। और टू संडी क्रेडिटर, इनको हमने क्रेडिट किया है। संडी क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लोन अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है और जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल अकाउंट डेट इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर अस। इस तरह से उसको हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल देना है और यहाँ पे हमने लिख देना है बींग ओपनिंग एंट्री पास्ट। अब हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये एसेट्स हैं बिल्डिंग प्लस कैश, तो ये बिल्डिंग प्लस कैश जो है 1,20,000 है, लाइबिलिटी जो है हमारी 25,000 प्लस 125,000 1,50,000 है। तो 1,50,000 लाइबिलिटी का टोटल है जो कि एसेट से ज़्यादा है। एसेट का टोटल कितना है 1,20,000, तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है जो कि 30,000 आ जाती है। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट किया, गुडविल को डेबिट किया टू लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल दिया हुआ है तो वहां पे हमने नरेशन के अंदर लिख दिया बिंग एंट्री पास। उसी तरह कैपिटल रिजर्व, देखो यहाँ पे बिल्डिंग है 80,000 और कैश जो है डेट इज 40,000, तो ये एसेट की जो वैल्यू है वो है 1,20,000। लाइबिलिटी हमें लोन और कैपिटल दोनों दे रखे हैं 25,000 प्लस 75,000। यहाँ पे एसेट की जो टोटल है वो लाइबिलिटी से ज्यादा है, एसेट का टोटल 1,20,000 है, लाइबिलिटी का टोटल 1 लाख है, तो डिफरेंस जो है 20,000 है, वो 20,000 हमने कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया। अगर एसेट का टोटल ज्यादा है, कैपिटल हमें दिया हुआ है, तो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व का होगा। बिल्डिंग को हमने डेबिट कर दिया, कैश को हमने डेबिट कर दिया टू लोन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व और उसको नीचे नरेशन में लिख दिया बींग ओपनिंग एंट्री पास्ट। इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम है एसेट इज इक्वल टू कैश इन हैंड विच इज 1200, कैश इन बैंक 40,800, स्टॉक ऑफ गुड्स रुपीज 24,000, मशीनरी 60,000, फर्नीचर 6,000, मैसन नरेन ब्रदर्स ओ, इसका मतलब है कि नरेन ब्रदर्स ने हमारे पैसे देने हैं 9,000, मिस्टर किटी ओज रुपीज 15,000, मिस्टर किटी से भी हमने पैसा लेना है। लाइबिलिटी क्योंकि उन्होंने एसेट को अलग से बताया हुआ है, लाइबिलिटी का भी बता दिया, लोन 30,000 है और जो बलवंत ब्रदर्स लिमिटेड है उसको हमने पैसे देने हैं 12,000। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल नहीं दी हुई, इसका मतलब है कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्राइंग है, पेड रुपीज 150 एज वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ये मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। सोल्ड गुड्स टू राम प्राइस रुपीज 12,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, राम अवेल्ड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो अवेल्ड कैश डिस्काउंट है इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर देती हूँ,
पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द मशीनरी गुड्स वर्थ ₹40 to 100 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले जो है ओपनिंग एंट्री देखते हैं। यहाँ पे देखो जो ओपनिंग एंट्री है पहले हमने क्या किया, जैसे ये हमारे एसेट्स हैं कैश बैंक स्टॉक मशीनरी ब्रायन ब्रदर्स मिस्टर किटी, तो इनका टोटल आ जाता है 1,50,000। और जो लाइबिलिटी है उसका टोटल बेटे उसका टोटल जो है 42,000 आता है। तो 1,50,000 माइनस 42,000, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आ जाती है 1,08,000। अब हमने रफ के अंदर इसको कैलकुलेट कर लिया है, तो उसी तरह हमने यहाँ पे इसकी ओपनिंग एंट्री डाल देनी है। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, रायना ब्रदर्स जो हमें पैसे ओ करता है, मिस्टर किटी अकाउंट डेबिटेड, तो ये सारे हमारे एसेट हैं, इनको हमने डेबिट कर देना है। और डेबिट कॉलम के आगे इनके आगे हमने अमाउंट डाल देना है। टू लोन अकाउंट 30,000, ये लाइबिलिटी है। टू बिलवंत ब्रदर्स अकाउंट जिनको हमने पैसे देने हैं 12,000, ये भी लाइबिलिटी है। कैपिटल हमने निकाल ली है 1,08,000 और उसके नीचे हमने देना है बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। अब हम मूव करते हैं दूसरी जो ट्रांजैक्शन उन्होंने हमें दे रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। तो बिजनेसमैन जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो यहाँ पे हम करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट जो कि कैपिटल कम हो गई है इस वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया। कैश हमारा डिक्रीज हो गया है, एसेट है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वो हमने एंट्री डाल देनी है। और उसी तरह हम अगली एंट्री देखते हैं, ₹8,150 एज ए कॉस्ट एज ए वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। हमने ₹150 जो है पे किया है क्योंकि हमने मशीन को इंस्टॉल करना था, हमने फिक्स एसेट परचेज की है। तो जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसके ऊपर कोई वेजेस पे करते हैं या इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हैं तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो वहाँ पे हमने मशीनरी को डेबिट करना है। मशीनरी एक एसेट है, वो बढ़ गई है 150, कैश कैश कम हो गया है तो 150 एसेट हमारा कम हो गया। जो भी खर्चे जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, जो भी खर्चे उस फिक्स एसेट के साथ इंसिडेंटल होते हैं, जुड़े होते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। उसको सेपरेटली हम ऐसे नहीं करते, इंस्टॉलेशन चार्जेस या वेजेस नहीं करते। तो यहाँ पे मशीनरी टू कैश हो जाएगा और यहाँ पे नरेशन भी हम लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राम प्राइस ₹12,000। देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितनी है 12,000, ये मैंने वर्किंग नोट्स भी साथ में दिए हैं। कोशिश ये रहती है कि आपको इस तरह से बताया जाए कि इजिली आपको पता चल जाए कि इस तरह से हमने एंट्री पास करनी है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया था कि नेट इफेक्ट से हमने एंट्री करनी है, ना हमने इसको डेबिट करना है ना इसको क्रेडिट करना है, इसको नरेशन में मेंशन करना होता है। तो 12,000 का 10% आ जाता है 1,200, तो नेट प्राइस जो है डेट इज 10,800। उसके ऊपर देखो जो कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है। कैश डिस्काउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर हमने सेल किया है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर हमने परचेज किया है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो यहाँ पे चीजें हमने सेल की है तो 10,800 जो है नेट प्राइस है, उसके ऊपर 5% हमें क्या मिल रहा है, 5% हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो 10,800 के ऊपर 5% हमने कैलकुलेट कर लिया, ये है 540 हमने कैश डिस्काउंट दिया है और नेट कैश क्योंकि उस बंदे ने हमें इमीडिएटली कैश पे कर दिया है डेट इज 10,260। तो हमारे पास कैश कितना आया, कैश एक एसेट अकाउंट है बढ़ गया है तो 10,260 आया। डिस्काउंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है 540 के, इतने पैसे हमने उसको छोड़ दिए तो ये हमारे लिए क्या है 540 जो है इसको डेबिट कर दिया। और सेल हमारी टोटल कितनी की हुई थी 10,800। तो यहाँ पे हमने नरेशन में लिखा कि गुड सोल्ड है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो इस तरह से आपने इस एंट्री को जो है अपनी उसमें रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद है पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द मशीनरी। देखो यहाँ पे हमारी जो मशीनरी ऑलरेडी हमारे पास थी उसका रिपेयर का खर्चा हुआ, तो रिपेयर एक एक्सपेंस अकाउंट है तो इस वजह से ये डेबिट हो जाएगा। और कैश चला गया, कैश कम हो गया, एसेट है उसको हमने क्रेडिट कर देना है।
रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रिपेयर ऑफ द मशीनरी एंड ठीक है उसकी इस तरह से हमने एंट्री कर लेनी है। गुड्स वर्थ ₹40,200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, तो यहाँ पे हमने एडवर्टीजमेंट की है, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको हमने डेबिट करना है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एडवर्टीजमेंट की है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ काइंड, तो यहाँ पे हमारी जो परचेजेस है जो गुड्स वर्थ ₹40,200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो जो हमारा स्टॉक है वो कम हो गया है, तो यहाँ पे हमने स्टॉक को कम कर देना है, स्टॉक को क्रेडिट कर देना है, या हमने परचेजेस को कम कर देना है। और यहाँ पे नरेशन में हमने लिख देना है बीइंग गुड्स वर्थ ₹40,200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल। होपफुली आपको ये सारी जो एंट्री है वो समझ में आ चुकी होंगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उसको लिख सकते हो।